जय श्री राम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल स्टडी हेल्प। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुलक और आप लोगों की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों की रिएक्शंस हैं या कहें कि अभिक्रियाएं हैं, इससे बनने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। 100% है आपके एग्जाम में, यहाँ से करीबन करीबन 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोनों टॉपिक को मिला के। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चंस की ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत नियर है, हम सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। देन इसके एग्जाम के बाद आप अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो बाकायदा 100% डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। साथ ही में मैंने आप लोगों का वर्गीकरण, आप लोगों के ऊतक, हार्मोन्स और भी आपके बहुत से टॉपिक कंप्लीट कराए हैं, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा है? प्राकृतिक जैव किसका बहुलक है? दोस्तों, आपके यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या? डीएनए का। सेकेंड है हमारा क्या? आइसोप्रीन निम्न पदार्थ बनाने में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा क्या? कृत्रिम रबर। ओके, चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन आपका जे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो पॉलीएमाइड है, बताइए फ्रेंड्स जल्दी से, कम ऑन। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर क्या, आपका राइट आंसर जाने वाला है नायलॉन 66। ओके, जी आपका क्या आता है? पॉलीएमाइड। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या आपका पॉलीएमाइड नायलॉन 66 किसकी क्रिया से बनता है? तो दोस्तों, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 4, क्या आपका C00H, और आपका यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा CH2, आपका C00H+NH2 CH2 6NH2। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आपका पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ना चिपकने वाला खाना बनाने वाला पात्र बनाने में काम आता है? मतलब कि जैसे कि हम कुछ खाना वगैरह लेते हैं तो पैक करके देते हैं, वो क्या रहता है उसमें? तो दोस्तों, आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है, बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पर राइट आंसर आपका जाने वाला है ऑप्शन नंबर 4, पॉलीटेट्रा क्लोरो एथिलीन। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन हमारा छठवा। पूछा है दोस्तों, संश्लेषित रबर ब्यूना एस है, क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, यहां पर इसका राइट आंसर जाएगा एक ब्यूटाडाइन तथा स्टायरिन का बहुलक। हमसे फिर पूछा है दोस्तों, आपका क्या CF2 डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित का एकलक है? तो दोस्तों, यहां पर आपका जो राइट आंसर जाएगा ये टेफलॉन का एकलक है। चलिए हम क्वेश्चन 7वां 8वां देखते हैं। दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन 8वां है, आपको यहाँ पर पहचानना है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, बताइए दोस्तों। आपको बताना है यहाँ पर क्या, कौन सा आपको सुमिलित नहीं दिख रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, अदरवाइज आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा सकती है, फॉर्मूलाज वगैरह आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है ये जाएगा क्या, थर्ड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्या, आपका 9वां। आपसे फिर पूछा है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है और 1 लाख पूछा है मोनोमर, तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन सा राइट आंसर जाने वाला है। फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन 9वां है, आपका यहाँ पर राइट आंसर जाता है इसका दोस्तों फर्स्ट, आपका 2-मेथिल प्रोपीन। नेक्स्ट हमसे फिर पूछा है, सेलुलेज किसका बहुलक है? तो दोस्तों, आपका जो सेलुलेज है ये बहुलक है किसका, आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा ग्लूकोज का। फिर आपसे 11वां क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, एक्रिलॉन एक कठोर श्रृंगी और उच्च गलनांक वाला पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा इसकी संरचना को प्रदर्शित नहीं करता? चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं।
तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ब्रैकेट में सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, फिर आपका यहाँ पर CN जुड़ा है साइनाइड, ये आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से क्या एकलक में से कौन सा एक बहुलक है? सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन पूछने में बोलने में मिस्टेक्स हो गई है। निम्नलिखित एकलकों में से कौन सा एक बहुलीकरण पर आपका नियोप्रिन बहुलक देता है, जी क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां पर आपका जो राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा क्या, थर्ड आपका CH2 डबल बॉन्ड, CH आपका C, और यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन जुड़ा है यहां पर CH और डबल बॉन्ड CH2। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर श्रृंखला वृद्धि बहुलक बोला गया है, मतलब जो श्रृंखला में वृद्धि करता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा दोस्तों पॉलीस्टायरीन। नेक्स्ट हमसे पूछा है बहुलक आपका CH2 कार्बन से चारों तरफ से जुड़ा है, CH2 CH3 CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, आपका CH2 के बाद C और फिर CH3 CH3, बताइए क्या होगा। चार ऑप्शंस आपके समक्ष हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाने वाला है क्या आपका जाएगा दोस्तों H2C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3 CH3 जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, आपसे फिर पूछा है यहाँ पर दोस्तों और आपको पूछा है एक है क्या है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन 15वां है इसका राइट आंसर जाएगा यह सह बहुलक है, NH आपका ब्रैकेट के अंदर CH2 ब्रैकेट क्लोज NHCO दोस्तों। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए मैं डिटेल्स में नहीं जाने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा सेकंड, क्या प्राकृतिक रबर के प्रत्येक द्वियावंध पर विपक्ष विन्यास होता है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि सत्य नहीं है, और बाकी आपके जो सारे के सारे ऑप्शन हैं सत्य हैं। हमसे फिर पूछा है दोस्तों आपका यहाँ पर कुछ बहुलकों की संरचनाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सी संरचनाएं सही नहीं है? दोस्तों आप लोगों से बोलना चाहूंगा आप लोग इस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन इसमें जो नायलॉन हुआ है, नायलॉन 6 6 हुआ, ये सारे के सारे इन लोगों के फॉर्मूला आप लोगों को, मतलब आपको इन सभी के फॉर्मूला याद होने चाहिए, अदरवाइज आपको फॉर्मूला पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत जा सकती है। बताइए आपके ऑप्शंस इसी प्रकार से आपको दिख रहे हैं, आपको बताना है क्या संरचना सही नहीं है। तो दोस्तों आपका जो सेकंड ऑप्शंस आपको दिख रहा है यहाँ पर नियोप्रीन और इसका जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पर सही नहीं है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों क्या 18वां। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्या है, सीधी श्रृंखला वाला बहुलक निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर यहां पर जाने वाला है क्या आपका क्वेश्चन नंबर 18वां है और आपका यहां पर राइट आंसर जाता है जो कि है आपका लास्ट ऑप्शन जे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संरचना नियोप्रीन बहुलक को प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जे संरचना है जो कि आपके नियोप्रीन बहुलक की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कि आपका 20वां, हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा पॉलिएस्टर बहुलक की तरह वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर जाता है क्या, फोर्थ टेरिलीन। नेक्स्ट हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो राइट आंसर जाने वाला है फोर्थ नियोप्रीन आपका संघनन बहुलक नहीं है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन जाता है एक और है, इसके बाद फिर देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? आपका क्या दिया है आपको देखना है, दो कथन ये दिए हैं और इसके बाद दो कथन और हैं।
फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बता देते हैं, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके ऑप्शंस कट गए हैं। आपका जो 9166 से प्रत्यास्था बहुलक का एक उदाहरण है, ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कट गया है। चलिए अब हम दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा वो आपके कुछ रहेंगे क्या बहुलक और आपकी रिएक्शंस। ओके चलिए फ्रेंड्स, तो टेक केयर।